नमस्कार मित्रों, हम लोग लेसन फोर ए गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा, जो कि यह जातक कहानी से लिया गया है। तो हम लोग लेसन के बारे में देखते हैं। तो यह कहानी जातक कहानी से लिया गया है और यह बोधिसत्वा के जन्म के पूर्व से संबंधित घटना है। ये कहानी हमें नैतिक ज्ञान देती है, नैतिक ज्ञान का शिक्षा देती है। तो कहानी को पढ़िए और पता लगाइए कैसे लालच और बेईमानी जीवन में सजा दी जाती है। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन द किंगडम ऑफ शेरी, शेरी के राज्य में, द बोधिसत्वा, बोधिसत्वा था। तो एक समय की बात है, शेरी के राज्य में बोधिसत्वा, हु बाट जो खरीदता था, एंड सोल्ड और बेचता था, पॉट्स एंड पैंस, बर्तनों और कढ़ाइयों को, जो बर्तनों और कढ़ाइयों को खरीदता था और बेचता था, वाज कॉल्ड शेरीवन, शेरीवन कहा जाता था। तो एक समय की बात है, शेरी के राज में बोधिसत्वा जो बर्तन और कढ़ाइयों को खरीदता था और बेचता था, शेरीवन कहा जाता था, इन द कंपनी, साथ में, ऑफ एनोदर सेलर, दूसरा विक्रेता था, तो साथ में दूसरा विक्रेता था, ऑफ पॉट्स एंड पैंस, जो कि बर्तनों और कढ़ाइयों को भी बेचता था, ए ग्रीडी फेलो, ग्रीडी मीन्स लालची, फेलो में साथी, तो वह लालची साथी था, ही क्रॉस्ड द रिवर तेलवस्त्रा, ही क्रॉस्ड, वह पार किया द रिवर, नदी, तेलवस्त्रा, तेलवस्त्रा, तो वह लालची जो विक्रेता था वो तेलवस्त्रा नदी को पार किया, एंड एंटर्ड, और प्रवेश किया द सिटी ऑफ आंध्रपुरा, और आंध्रपुरा शहर में प्रवेश किया। तो साथ में दूसरा विक्रेता था जो बर्तनों और कढ़ाइयों को बेचता था, जो कि लालची साथी था, जो कि तेलवस्त्रा नदी को पार किया और आंध्रपुरा शहर में प्रवेश किया। डिवाइडिंग, बांटते हुए द स्ट्रीट्स, गलियां, बिटवीन, बीच में, द टू ऑफ देम, उन दोनों के बीच में गलियों का बंटवारा हुआ था। दे सेट अबाउट सेलिंग, जो बेचने के लिए रवाना होते थे, देयर पार्ट्स, अपने बर्तनों को, एंड पैंस, और कढ़ाइयों को, जो अपने बर्तनों और कढ़ाइयों को बेचने के लिए रवाना होते थे, ईच इन द स्ट्रीट, प्रत्येक गली में, ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, अपने जिला के, तो अपने जिला में प्रत्येक दूसरे बर्तनों और कढ़ाइयों को बेचने के लिए रवाना होते थे। नाउ, अब इन द सिटी, शहर में देयर लिव्ड, रहती थी ए पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार। तो अब शहर में एक गरीब परिवार रहता था, विच जो हैड वंस, एक बार था, बीन हुआ करता था रिच, धनी, तो जो कि एक बार धनी हुआ करता था। देयर वर थे ओनली, केवल, टू पीपल, दो लोग, इन द फैमिली, परिवार में, नाउ, अब, केवल परिवार में दो ही लोग थे अब, ए यंग गर्ल, एक युवा लड़की थी, एंड हर ग्रैंड मदर, और उसकी दादी माँ थी। तो परिवार में केवल दो ही लोग थे अब, एक युवा लड़की थी और उसकी दादी माँ थी, और कोई नहीं था। हु, जो वर्कड, काम करते थे, फॉर देयर लिविंग, अपनी जीविका के लिए काम करते थे, अपनी रोजी रोटी के लिए काम करते थे, लाइंग
लाइंग पड़ा हुआ था एमंग ओल्ड पार्ट्स, पुराने बर्तनों के बीच में। तो लाइंग एमंग ओल्ड पार्ट्स, पुराने बर्तनों के बीच में पड़ा हुआ था, एंड पैंस और कढ़ाइयों के बीच में पड़ा हुआ था, इन देयर हाउस, उनके घर में, उनके घर में पुराने बर्तनों और कढ़ाइयों के बीच में पड़ा हुआ था, घर में वाज ए गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा था, एक सोने का कटोरा था, विथ जो हैविंग बीन, हैविंग बीन हो रहा था आउट ऑफ यूज, प्रयोग से बाहर, मतलब जो है बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं हो रहा था, लुक्ड सो डर्टी, लुक्ड दिखाई देता था, सो डर्टी बहुत गंदा, बहुत गंदा दिखाई देता था, क्योंकि बहुत लंबे समय से यूज नहीं हो रहा था, बहुत गंदा दिखाई देता था, दैट द टू वोमेन, जो कि दोनों औरतें, डिड नॉट नो, नहीं जानती थी, जो कि उस कटोरे को दोनों औरतें नहीं जानती थी, दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, दैट इट वॉज, इट मीन्स कटोरा, कटोरा सोने का बना हुआ था, दोनों औरतें नहीं जानती थी कि कटोरा सोने का बना हुआ था, द ग्रीडी सेलर, लालची विक्रेता, वेंट पास्ट, से गुजरते गया, पास्ट माने गुजरना, वेंट माने गया, देयर डोर, उनके दरवाजे से, क्राइंग चिल्लाते हुए, तो लालची विक्रेता उनके दरवाजे से चिल्लाते हुए गुजरते गया, एक्सचेंज योर ओल्ड पार्ट्स, एक्सचेंज बदल लो, योर ओल्ड पार्ट्स, अपने पुराने बर्तनों को, फॉर न्यू, नए में, तो अपने पुराने बर्तनों को नए में बदल लो, वेन, जब द यंग गर्ल, युवा लड़की, हर्ड हिज क्राई, उसके चिल्लाने की आवाज सुनी, तो जब युवा लड़की उसके चिल्लाने की आवाज सुनी, सी सेड, वह कही, टू हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ से, तो वह अपनी दादी माँ से कही, डू लेट अस बाई, आइए खरीद लेते हैं ए न्यू प्लेट, एक नया प्लेट, तो आइए एक नया प्लेट खरीद लेते हैं, ग्रैंड मदर, दादी माँ, दादी माँ, आइए एक नया प्लेट खरीद लेते हैं, देयर्स मैन, आदमी है, हु इज सेलिंग पार्ट्स, सेलिंग बेच रहा पार्ट्स, बर्तन, जो बर्तनों को बेच रहा है, जो एक आदमी आदमी है जो बर्तनों को बेच रहा है, वी आर वेरी पुअर, वी आर, हम लोग हैं, वेरी पुअर, बहुत गरीब, हम लोग बहुत गरीब हैं, चाइल्ड, बच्ची, बच्ची, हम लोग बहुत गरीब हैं, तो उसकी दादी माँ ने कही कि बच्ची हम लोग बहुत गरीब हैं, व्हाट हैव वी, हमारे पास क्या है, टू ऑफर, देने के लिए, इन एक्सचेंज, बदले में, तो बदले में हम लोग पास देने के लिए क्या है, द ओल्ड ओमेन शेड, द ओल्ड ओमेन, बूढ़ी औरत शेड कही, बूढ़ी औरत कही कि हम लोग, बच्ची बहुत गरीब है, हम लोग बदले में देने के लिए क्या है, वाई, क्यों, देयर इज दिस डर्टी बाउल, यह देयर इज, यह है डर्टी बाउल, गंदा कटोरा, यह क्यों, यह गंदा कटोरा है, विच जो वी नेवर यूज, हम कभी प्रयोग नहीं करते हैं, क्यों, यह गंदा कटोरा है जो कि हम इसका कभी प्रयोग नहीं करते हैं, लेट अस एक्सचेंज, आओ बदल लेते हैं, द बाउल, कटोरे को, फॉर प्लेट, प्लेट के लिए, तो आओ कटोरे को प्लेट के लिए बदल लेते हैं, द गर्ल सेड, लड़की ने कही, लड़की कही, आइए उस कटोरे को से हम लोग प्लेट में बदल लेते हैं, प्लेट खरीद लेते हैं, बोथ द ओल्ड ओमेन, बोथ, दोनों, द ओल्ड ओमेन एंड द गर्ल, बूढ़ी औरत और लड़की, वर कीन, उत्सुक हुए थे, जिज्ञासा हुई, टू गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, द बाउल, कटोरे से, तो दोनों, बूढ़ी औरत और लड़की को कटोरे से छुटकारा पाने के लिए जिज्ञासा हुई थी, उत्सुकता हुई थी, सो इसलिए,
सो इसलिए द ओल्ड वोमेन बूढ़ी औरत कॉल्ड द सेलर विक्रेता को बुला ली इन अंदर मतलब घर के अंदर इसीलिए बूढ़ी औरत विक्रेता को बुला ली एंड गिविंग हिम उसको देते हुए द बाउल कटोरा तो कटोरा को देते हुए सेड कही टेक दिस बाउल इस कटोरे को ले लो यंग मैन युवा आदमी इस कटोरे को ले लो एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर और गिव दे दो माई ग्रैंड डॉटर मेरी पोती को एक प्लेट इन एक्सचेंज बदले में मेरी पोती को एक प्लेट दे दो। द सेलर विक्रेता टुक द बाउल कटोरे को लिया इन हिज हैंड्स अपने हाथ में तो विक्रेता अपने हाथ में कटोरे को लिया एंड सस्पेक्टिंग इट कटोरे के लिए प्रयोग किया गया है सस्पेक्टिंग इट कटोरे को संदेह करते हुए वाज गोल्ड की कटोरा सोने का बना हुआ है स्क्रैच्ड मीन्स खींच दिया एक लाइन ऑन द बॉटम मीन्स तली नीचे जो है विथ ए निडल सुई से एक लाइन खरोच दिया खींच दिया ही न्यू वह जान गया ही सस्पिशन उसका संदेह वह अपने संदेह को जान गया वाज राइट कि उसका संदेह जो था वो सही था द बाउल कटोरा वाज प्योर गोल्ड शुद्ध सोने का था कटोरा शुद्ध सोने का था थिंकिंग सोचते हुए दैट की ही वुड गेट द बाउल वह कटोरे को ले लेगा फॉर नथिंग कुछ ना दे करके मतलब फ्री में सोच करके कि वह कटोरे को फ्री में ले लेगा मतलब पैसा नहीं देना देगा कुछ नहीं देगा कटोरे को गेट कर लेगा प्राप्त कर लेगा। ही प्रेटेंडेड वह बहाना किया दैट की इट वाज यूजलेस इट मीन्स कटोरा बेकार है एंड स्कॉर्नफुल्ली और तिरस्कार पूर्वक थ्रू इट मीन्स कटोरे को फेंक दिया ऑन द ग्राउंड जमीन पर और जमीन पर कटोरे को फेंक दिया रोज फ्रॉम ही सीट अपनी जगह से उठ गया एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस और घर के बाहर चला गया तो अपने जमीन जगह से उठ करके घर के बाहर चला गया। द यंग गर्ल युवा लड़की वाज वेरी सैड बहुत दुखी हुई एट द सेलर यस रूडनेस विक्रेता की अभद्रतापन तो युवा लड़की विक्रेता की अभद्रता पर जो है बहुत दुखी हुई एंड और द ओल्ड वोमेन और बूढ़ी औरत कुड नॉट अंडरस्टैंड समझ नहीं सकी और बूढ़ी औरत समझ नहीं सकी वाई क्यों ही हैड बिकम वह हो गया सो एनॉयड इतना नाराज और बूढ़ी औरत समझ नहीं पाई वह क्यों इतना नाराज हो गया और अथवा वाई क्यों ही हैड बिहेव्ड वह व्यवहार किया इन सच ऐसे इंसल्टिंग मैनर अपमानित तरीके से वह ऐसे अपमानित तरीके से क्यों व्यवहार किया। द नेक्स्ट डे अगले दिन एज जैसे कि इट हैड ऑलरेडी पहले से ही बीन एग्रीड सहमति हुई थी बिटवीन द टू सेलर्स दोनों विक्रेताओं के बीच में तो अगले दिन जैसे कि पहले से ही दोनों विक्रेताओं के बीच में सहमति बनी हुई थी ईच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक वेंट गए
टू सेल बेचने के लिए हिज पार्ट्स अपने बर्तनों को, जो कि उनमें से दोनों अपने बर्तनों को बेचने के लिए गए, एंड पैंस और कढ़ाइयों को बेचने के लिए गए इन द डिस्ट्रिक्ट जिले में, तो तरह की अगले दिन जैसे कि पहले से ही सहमति बनी हुई थी दोनों के बीच में कि आज हम इस गली में जाएंगे तो कल आप जाएंगे उसमें, तो प्रत्येक दोनों अपने बर्तनों और कढ़ाइयों को बेचने के लिए जिले में गए। इन बीच जिसमें द अदर दूसरा हैड बीन गया था ऑन द डे बिफोर एक दिन के पहले, मतलब जो है जो कल गया था उसकी गली में दूसरा जाएगा, दूसरा वाला पहले गली में जाएगा, तो ऐसे जो है जाते हैं। सेरीवन केम टू द सेम स्ट्रीट, सेम स्ट्रीट मीन्स उसी गली में, तो सेरीवन उसी गली में आया, एंड पास्ड और गुजरा द सेम हाउस उसी घर से क्राइंग चिल्लाते हुए, तो सेरीवन उसी गली में आया और उसी घर से चिल्लाते हुए गुजरा। एक्सचेंज बदल लो योर ओल्ड पार्ट्स अपने पुराने बर्तनों को, फॉर न्यू नए में अपने पुराने बर्तनों को नए में बदल लो। वंस अगेन एक बार फिर द यंग गर्ल युवा लड़की अर्ज्ड हर ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ से आग्रह की टू गेट हर ए न्यू प्लेट एक नया प्लेट खरीदने के लिए, तो एक बार फिर युवा लड़की अपनी दादी माँ से नया प्लेट खरीदने के लिए आग्रह की। द ओल्ड ओमेन बूढ़ी औरत कही डियर चाइल्ड प्री बच्ची डोंट यू रिमेम्बर क्या तुम्हें याद नहीं है, हाउ डिसअपॉइंटिंग कैसे निराश करके, इट वाज हैव द सेलर जो विक्रेता किया था, हियर यहाँ स्टडी कैसे निराशापूर्वक व्यवहार किया था कल, डोंट यू रिमेम्बर क्या तुम्हें याद नहीं है, हाउ कैसे, ही थ्रू द बाउल वह कटोरे को फेंक दिया था, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, इन डिसगस्ट अपमान में, और कैसे क्या तुम्हें याद नहीं है कैसे वह कटोरे को जमीन पर अपमान से फेंक दिया था। वेल आई विल ओनली रिग्रेट केवल हम लोग पश्चाताप ही करेंगे, कॉलिंग दिस न्यू सेलर इस नए विक्रेता को बुला करके, इस नए विक्रेता को बुला करके हम लोग केवल पश्चाताप ही करेंगे। तो धन्यवाद, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।